हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर का PT 365 डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम वही PT 365 का आर्ट एंड कल्चर का कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं। ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट MCQ है जो भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं पहला MCQ। भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी जो उड़ीसा में अवस्थित है उससे संबंधित कथनों पर ध्यान देना है। पहला कथन है, इस मंदिर का निर्माण राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। दूसरा कथन है, मुख्य मंदिर में अवस्थित पवित्र त्रिमूर्ति में भगवान जगन्नाथ, देवी रुक्मणी और बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियां शामिल हैं। तीसरा कथन है, यह मंदिर नागर शैली स्थापत्य कला से संबद्ध है। इनमें से इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं उसको आपको चुनाव करना है। अब पहला ऑप्शन है, केवल पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है, केवल एक और दो सही हैं। तीसरा ऑप्शन है, एक और तीन सही हैं। और चौथा ऑप्शन है, सभी सही, उपरोक्त सभी सही हैं। वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा ये राइट है। इस मंदिर का निर्माण राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया, ये एकदम सही आंसर है। दूसरा कथन है, मुख्य मंदिर में अवस्थित त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल है, भगवान जगन्नाथ, देवी रुक्मणी और बड़े बड़े भाई बलभद्र। इसमें देवी रुक्मणी शामिल नहीं है, देवी रुक्मणी की जगह देवी सुभद्रा हैं, सुभद्रा जो कि कृष्ण जी की और बलभद्र की ये बहन थी। ये सुभद्रा शामिल हैं, देवी रुक्मणी शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। इसलिए इसका और ये मंदिर नागर शैली में स्थापित है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर नागर शैली में बनाया गया। इस तरह ऑप्शन इसका सी सही हो जाता है। अब देख लेते हैं दूसरा MCQ। होयसल राजवंश से संबंधित कथनों पर ध्यान देना है। पहला कथन है, इस राजवंश के संस्थापक नृपकाम द्वितीय थे। दूसरा कथन है, होयसल राजदरबार में सेना प्रमुख को धर्माधिकारी कहा जाता था। होयसल राजदरबार में सेना प्रमुख को धर्माधिकारी कहा जाता था। आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है। क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। पॉज करके अपना आंसर जरूर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक पहला सही है। इस राजवंश के संस्थापक नृपकाम द्वितीय थे, ये राइट आंसर है। लेकिन होयसल राजवंश के समय पर होयसल राजदरबार में सेना प्रमुख को धर्माधिकारी नहीं कहा जाता था, धर्माधिकारी कहा जाता था मुख्य न्यायाधीश को, जो न्यायाधिकारी जो होते थे उनको धर्माधिकारी कहा जाता था। और जो सेना प्रमुख होते थे तो सेना प्रमुख को कहा जाता था दंडनायक। सेना का काम क्या है कि अपराधियों को दंड देना, कुल मिला के ये सेना का काम नहीं है। सेना का काम तो बॉर्डर की रक्षा करना होता है, लेकिन आप इसको रिलेट कर सकते हैं, दंडनायक सेना प्रमुख को कहा जाता है। इस तरह इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तीसरा MCQ है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ये MCQ पिछले साल से इस तरह इस पैटर्न के क्वेश्चन देने लगा है। इस तरह के जितने क्वेश्चन हो सके सॉल्व कर लीजिए। एक तरफ सूर्य मंदिर दिया गया है और वह किस राज्य में अवस्थित है, उस एक तरफ राज्य का नाम दिया गया। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर बिहार, सूर्य पहाड़ मंदिर उत्तराखंड, कटारमल मंदिर असम, अरसावल्ली मंदिर आंध्र प्रदेश। इन चारों में से कितने विकल्प हैं ऐसे जो सही सुमेलित हैं। दक्षिणार्क बिहार, सूर्य पहाड़ मंदिर उत्तराखंड, कटारमल असम, अरसावल्ली आंध्र प्रदेश। इनमें से कितने ऐसे विकल्प हैं जो कि सही सुमेलित हैं। पॉज करके इसका राइट आंसर दीजिए। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो सही हैं इसमें से। कौन कौन से सही हैं, इसमें से पहला सही है, दक्षिणार्क मंदिर बिहार में है, ये सही है। दक्षिणार्क मंदिर बिहार में है, ये सही है। और अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। सूर्य पहाड़ मंदिर असम में है और कटारमल मंदिर उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा। सूर्य पहाड़ मंदिर असम में है, क्योंकि कन्फ्यूजन ऐसे हो सकता है, पहाड़ हैं अधिकतर, उत्तराखंड पूरा पहाड़ी क्षेत्र है तो ऐसे नाम हो सकता है, लेकिन सूर्य पहाड़ मंदिर असम में है और कटारमल मंदिर उत्तराखंड में है। ये चारों सूर्य मंदिर हैं,
दक्षिणार्क, सूर्य पहाड़ मंदिर, कटारमल और अरसावल्ली। और भी सूर्य मंदिर हैं लेकिन वो पहले भी कई जगह कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनकी संभावना ज़्यादा बन जाती है। इस तरह इनका राइट आंसर केवल दो ऑप्शन सही से मिले थे, कौन कौन से, दक्षिणार्क बिहार में है और अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माहुली द्वीप ना माहुली मंदिर समूह, माहुली मंदिर समूह जिसे दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ अवस्थित है? माहुली मंदिर समूह जिसे दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। पॉज करके अपना राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, माहुली मंदिर समूह महाराष्ट्र में है। ये याद रखिएगा, काफ़ी चर्चा में था माहुली मंदिर समूह, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये फर्स्ट यूनिट के हमारे एमसीक्यू थे, अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। सेकंड यूनिट का पहला एमसीक्यू है सांझी चित्रकला से रिलेटेड। सांझी चित्रकला से संबंधित कथनों पर ध्यान देना है। पहला कथन है इस चित्रकला का विकास उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। दूसरा कथन है यह संध्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाने से संबंधित है। पहला कथन है इस चित्रकला का विकास उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। दूसरा कथन है संध्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाने से यह चित्रकला संबंधित है। उनमें से इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ध्यान रखिएगा, सत्य कथन इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो सही हैं, या एक और दो दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। पॉज करके इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल दो सही है, केवल दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि इस चित्रकला का विकास उत्तर प्रदेश में तो हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ना होकर इस चित्रकला का विकास हुआ है मथुरा में, मथुरा वृंदावन क्षेत्र में हुआ है। सांझी चित्रकला का विकास मथुरा वृंदावन में हुआ है। वहां कृष्ण जी के मंदिर में शाम को जब संध्या वंदन होता है उस समय पर मंदिरों में रंगोली बनाई जाती थी, उसी दौरान उसी के फलस्वरूप वहां पे सांझी चित्रकला का विकास हुआ है। ऑप्शन रखिएगा, याद रखिएगा, मथुरा वृंदावन में इस चित्रकला का विकास हुआ है और यह शाम को मंदिरों में रंगोली बनाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है खिलौनों से संबंधित। भारत में खिलौने की काफ़ी चर्चा रही, मोदी जी भी ने इसके लिए बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं। हम देख लेते हैं खिलौने से रिलेटेड क्वेश्चन, कितने युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ दिया गया है भारतीय खिलौने, एक तरफ दिया गया है उत्पादक राज्य, मतलब किस राज्य में ये खिलौनों का उत्पादन होता है। पहला है चन्नपटना खिलौने, यह कर्नाटक। निर्मल खिलौने तेलंगाना। ठिंगड़ा ढिंगला खिलौने असम। लैफा देवी मणिपुर। इनमें से आपको चुनना है कि कितने विकल्प सही सुमेलित हैं। क्या केवल एक सही सुमेलित है, केवल दो सही सुमेलित हैं, केवल तीन, या उपरोक्त सभी? पॉज करके अपना आंसर जरूर दें, या कि आप नहीं कमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम अपनी एक रफ में एक ऑप्शन लिखते चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उस हिसाब से आप एक बार फिर से PT 365 रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल तीन सही सुमेलित है। इसमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? चन्नपटना खिलौने, ये काफ़ी न्यूज में था, कर्नाटक, ये सही सुमेलित है। निर्मल खिलौने तेलंगाना, ये सही सुमेलित हैं। थिंगला ढिंगला असम, ये गलत है, यह थिंगला ढिंगला असम में ना होकर यह गुजरात में है। थिंगला ढिंगला गुजरात में उत्पादित होने वाला खिलौना समूह है, थिंगला ढिंगला गुजरात में है। और लैफा देवी मणिपुर का खिलौना है, लैफा देवी मणिपुर का। निर्मल खिलौने तेलंगाना, चन्नपटना खिलौने कर्नाटक। इस तरह ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमंग लीला। सुमंग लीला, हाल ही में सुमंग लीला महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इससे संबंधित सत्य कथनों पर आपको ध्यान देना, सत्य कथन का चुनाव करना। पहला, सुमंग लीला मणिपुर का एक नाट्य कला है। इसमें पुरुष थिएटरों में महिला पात्रों की सभी भूमिकाएं पुरुष कलाकार निभाते हैं तथा महिला थिएटरों में पुरुष पात्रों की सभी भूमिकाएं महिला कलाकारों द्वारा निभाई जाती हैं। इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। सुमंग लीला, सुमंग लीला का क्वेश्चन है ये, सुमंग लीला। आप इसको गेस कर सकते हैं कैसे, सुमंग लीला, लीला जनरली होता है नाटक से ही संबंधित होता है, जैसे रामलीला होती है, एक तरीके का नाटक ही है, तो यह एक नाट्य कला है और मणिपुर की, यह एकदम सही है। दूसरा है, पुरुष थिएटरों में महिला पात्रों की सभी भूमिकाएं पुरुष कलाकार निभाते हैं और महिला थिएटरों में पुरुष पात्रों की सभी भूमिकाएं
महिला कलाकार मतलब वाइसे वर्षा निभाते हैं लोग एक दूसरे की, जिसमें महिला पुरुष थिएटर है तो महिला जो भी पात्र होंगी उनमें उनकी भूमिकाएं पुरुष कलाकार निभाएंगे, और जो महिला थिएटर होंगे उनमें पुरुष पात्रों की भूमिकाएं महिला निभाती हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर है आंसर सी, दोनों इसके विकल्प सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इस तरह हमारे सेकंड यूनिट के इतने 3 ही MCQ बन पाए हैं, इसका सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग थर्ड यूनिट के MCQ पे। थर्ड यूनिट का पहला MCQ है साइक्लोपियन वाल से रिलेटेड। आप लोगों ने इसको न्यूज में जरूर पढ़ा होगा। हाल ही में चर्चा में रहे साइक्लोपियन वॉल से संबंधित सत्य कथनों का चुनाव करना है। पहला कथन है, यह पत्थर की 40 किलोमीटर लंबी एक दीवार है जो 2500 वर्ष से अधिक पुरानी संरचना है। साइक्लोपियन वॉल 40 किलोमीटर लंबी एक दीवार है जो 2500 वर्ष से अधिक पुरानी संरचना है। दूसरा, यह दीवार राजस्थान के कुंभलगढ़ में अवस्थित है। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। क्या केवल एक सही है, क्या केवल दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। पॉज करके इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है केवल एक सही है। यह पत्थर की 40 किलोमीटर लंबी दीवार है और यह 2500 वर्ष से अधिक पुरानी है और यह बिहार में अवस्थित है, बिहार में, ना कि राजस्थान में। राजस्थान में अवस्थित नहीं है, यह बिहार के राजगृह में अवस्थित है। इसकी इसी शहर को, ये प्राचीन शहर है, इसी शहर को चारों तरफ से घेरने के लिए, ये सुरक्षा दीवार बनाने के लिए, सुरक्षा दायरा घेरा बनाने के लिए साइक्लोपियन वॉल का निर्माण किया गया था। साइक्लोपियन वॉल एक तरीके की मतलब स्थापत्य शैली है जिसमें अनगढ़ पत्थरों को यूज किया जाता है। मतलब ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर ऐसे सेट किए जाते हैं और ऐसे ही दीवार बना दी जाती है। आप कई लोगों ने गांवों में देखा होगा ऐसे ही अनगढ़ पत्थरों की छोटी छोटी दीवारें बना ली जाती हैं। अनगढ़ पत्थर मतलब कोई स्पेशल एक साइज के पत्थर नहीं होते हैं, जैसा मिला रखते चले गए। तो वही है साइक्लोपियन वॉल, याद रखिएगा, ये बिहार में अवस्थित है, राजस्थान के कुंभलगढ़ में नहीं है। दूसरा MCQ है, संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य देश जो यूनेस्को के सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन है? ये क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है पूछ ले। संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य देश जो यूनेस्को के सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है इजराइल, लिंकेस्टाइन या यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा ऑप्शन है उत्तर कोरिया, ताइवान, घाना। तीसरा ऑप्शन है फिलीपींस, उत्तर कोरिया, मंगोलिया। चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान, अजरबैजान या अर्मेनिया। इन चारों में से ऐसे कौन से तीन हैं जो इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से तीन ऐसे ग्रुप हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के तो सदस्य हैं लेकिन वह यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। पॉज करके अपना राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल, याद रखिएगा, इजराइल, लिंकेस्टाइन और यूएसए। ये यूएन के तो सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र के तो सदस्य हैं लेकिन यूनेस्को के सदस्य हैं, यूनेस्को के सदस्य नहीं है। कोई इस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि यूएसए लगभग हर जगह सदस्य होता है, खासकर यूनेस्को जैसी संस्था हो गई, यूएन हो गया, WTO, तो यूएसए सबका चौधरी रहता है, लेकिन यूएसए यूनेस्को का सदस्य नहीं है, ये याद रखिएगा। यूएसए एक ऐसा देश है, बड़ा देश है जो कि यूनेस्को का सदस्य नहीं है, और इजराइल भी यूनेस्को का सदस्य नहीं है, और लिंकेस्टाइन भी यूनेस्को का सदस्य नहीं है, बाकी ये शेष सभी यूनेस्को के सदस्य हैं। अब एक इसका वैसे वर्षा क्वेश्चन है, यूनेस्को के 3 सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र यूएन के सदस्य नहीं है, यूनेस्को के ऐसे 3 सदस्य हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से वो ग्रुप कौन सा है? पहला है फिलिस्तीन, नीयू, कुक आइलैंड्स। दूसरा है अफगानिस्तान, अजरबैजान, म्यांमार। तीसरा है टोगो, केन्या, हैती। और चौथा है आर्मेनिया, उत्तर कोरिया और अजरबैजान। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि यूनेस्को का तो सदस्य है लेकिन वह यूएन का सदस्य नहीं है? पॉज करके अपना इसमें राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है पहला फिलिस्तीन, नीयू और कुक आइलैंड्स। ये तीनों यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है लेकिन यूनेस्को के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन धरोहरों को विश्व विरासत का दर्जा वापस लिया जा चुका है, सॉरी को नहीं, का ही सही है यहाँ पे।
निम्नलिखित में से किन धरोहरों का विश्व विरासत का दर्जा वापस लिया जा चुका है? ऐसे कौन से धरोहर हैं जो कि उनको विश्व विरासत का दर्जा मिला हुआ था लेकिन वह वापस ले लिया गया है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी, अलवे वैली, लिवरपूल। इन चारों में से ऐसे कौन हैं जिन जिनसे विश्व धरोहर का दर्जा वापस लिया जा चुका है? इसमें विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है केवल एक और दो, यानी मोहनजोदड़ो और अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी। दूसरा ऑप्शन है केवल एक दो और तीन, यानी कि मोहनजोदड़ो, अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी और एल्बे वैली। तीसरा ऑप्शन है केवल दो और तीन। चौथा केवल दो तीन और चार, सॉरी, तीसरा ऑप्शन में दो तीन और चार, केवल दो तीन और चार। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्या इन सभी से विश्व विरासत का दर्जा वापस लिया जा चुका है? पॉज करके अपना राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी, एल्बे वैली और लिवरपूल। ये तीन ऐसे हैं जिनसे विश्व विरासत का दर्जा वापस लिया जा चुका है, और मोहनजोदड़ो से लिए जाने की भी चर्चा 2022 में पाकिस्तान को यूनेस्को ने एक चेतावनी दी है कि अगर आप इसके रख रखाव में सुधार नहीं करेंगे, इसकी व्यवस्था में, तो हम मोहनजोदड़ो से विश्व विरासत का दर्जा वापस ले लेंगे। इसलिए यह न्यूज में था और ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, इसको आगे देखेंगे। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। वे आदिवासियों के एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में उन्होंने शाकाहारी भोजन करने तथा शराब से दूर रहने पर बल दिया। वे आदिवासियों के एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में उन्होंने शाकाहारी भोजन करने तथा शराब से दूर रहने पर बल दिया। ये किसकी बात कर रहा है? क्या ये गोविंद गुरु की बात कर रहा है, ताना भगत की बात कर रहा है, टांट्या भील की बात कर रहा है? चौथा ऑप्शन है बिरसा मुंडा। इनमें से किन्होंने ये बात की जिन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने शाकाहारी इस आंदोलन के दौरान शाकाहारी रहने तथा शराब से दूर रहने पर बल दिया? पॉज करके अपना राइट आंसर दे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन की शुरुआत की थी राजस्थान में। हालांकि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात क्षेत्र के जो भी आदिवासी समूह थे उनके ये क्रांतिकारी नेता भी थे गोविंद गुरु। ये इन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने शाकाहारी भोजन और शराब से दूर रहने पर बल दिया। ये हमारे थर्ड यूनिट के क्वेश्चन कंप्लीट हुए एमसीक्यू। अब हम फोर्थ यूनिट की ओर चलते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन छूट गया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चार के नाम दिए गए हैं। इन्हें पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन और केदारनाथ, ये चार ज्योतिर्लिंग दिए गए हैं। इन्हें पश्चिम से पूर्व सेट करना है। आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए, इसका ऑप्शन बना लेते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, फोर्थ, थ्री, वन, टू। इनमें से पश्चिम से पूर्व क्रम में कौन सा सम्मिलित है? आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, उसके बाद फिर केदारनाथ। आप इनको इसलिए कि यूपीएससी में एक बार ऐसा क्वेश्चन शहरों को नाम लेके पूछा जा चुका है, तो अभी करंट गवर्नमेंट ने महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, महाकालेश्वर कॉरिडोर का पुनर्निर्माण करवाया है, और के वाराणसी में भी पुनर्निर्माण करवाया गया है। इसलिए हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसका आप सभी का लेटिट्यूड देख लीजिएगा। महाकालेश्वर का लगभग 75 डिग्री ईस्ट के आसपास है, ओमकारेश्वर का 76 डिग्री ईस्ट के आसपास, और मल्लिकार्जुन का 78 पॉइंट समथिंग है, और केदारनाथ का लॉन्गिट्यूड है 79 डिग्री ईस्ट, 79.06। इनको आप देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए।
ये हमारे थर्ड यूनिट के एमसीक्यू थे। अब हम लोग फोर्थ यूनिट का एमसीक्यू देखते हैं। फोर्थ यूनिट का पहला एमसीक्यू है आदि शंकराचार्य से रिलेटेड। श्री आदि शंकराचार्य से संबंधित सत्य कथनों का चुनाव करना है। पहला कथन है, इन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन प्रतिपादित किया। दूसरा, इन्होंने पूर्व मीमांसा दर्शन का विरोध किया। तीसरा, इन्होंने उपदेश सहस्त्री नामक ग्रंथ की रचना की। अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, पूर्व मीमांसा का विरोध किया और उपदेश सहस्त्री नामक ग्रंथ की रचना की। इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। क्या केवल एक और दो सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल एक और तीन सही है, या इनमें से सभी सही हैं? इसका आप राइट आंसर दें। पॉज करके आप इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। इन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन प्रतिपादित किया, पूर्व मीमांसा दर्शन का विरोध किया। पूर्व मीमांसा दर्शन का विरोध क्यों किया? क्योंकि पूर्व मीमांसा कर्मकांड की बात ज्यादा करता है, इस कारण से इन्होंने इसका विरोध किया। और इन्होंने उपदेश सहस्त्री नामक ग्रंथ की रचना की थी। उपदेश सहस्त्री के साथ साथ इन्होंने विवेक चूड़ामणि और आत्मबोध आदि ग्रंथों की भी रचना की थी। विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध आदि ग्रंथों की भी रचना की थी। तो इस तरह इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये थोड़ा बड़ा एमसीक्यू बना दिए, इसको आप पॉज करके इत्मीनान से पढ़ के आंसर दीजिए, लेकिन संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने की। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार वैदिक मठ कौन कौन से? ये सभी लोग जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने चार वैदिक मठ बनाए थे, लेकिन कौन कौन से मठ बनाए हैं इसमें कन्फ्यूजन रहता है। पहला कथन है, पुरी, जोशी मठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी, श्रृंगेरी, द्वारका और आवंती। इनमें से कौन से ऐसे चार ऑप्शन हैं जो कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार वैदिक मठ हैं? पॉज करके इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, छठा और सातवां। पहला पुरी, दूसरा जोशी मठ, छठा है श्रृंगेरी और सातवां है द्वारका। ये याद रखिएगा, पुरी, जोशी मठ, श्रृंगेरी और द्वारका। जोशी मठ धस रहा था, इस कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए इससे भी बहुत संभावना है क्वेश्चन की भी। पुरी, जोशी मठ, श्रृंगेरी और द्वारका, ये चार ऐसे मठ हैं जो श्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित वैदिक मठ हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावना है इसके आने की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों को बढ़ते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते हुए कालानुक्रम मतलब पहले कौन सा स्थापित किया गया और उसके बाद फिर लास्ट कौन सा, फर्स्ट फिर लास्ट, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में समय के हिसाब से, मतलब पहले जैसे 1900 में, फिर दूसरा 1905 में, ऐसा कौन सा इसका क्रम है? पहला ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों को बढ़ते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है हिंदू कॉलेज, जिसे अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आंग्ल वैदिक स्कूल। तीसरा है वेदांत कॉलेज और चौथा है स्कॉटिश चर्च कॉलेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा बढ़ते हुए कालानुक्रम के हिसाब से सही विकल्प है? सही विकल्प को चुनना है। पॉज करके अपना राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए, जैसे हिंदू कॉलेज सबसे पहले बनाया गया, फिर आंग्ल वैदिक स्कूल, फिर वेदांत कॉलेज, उसके बाद स्कॉटिश चर्च। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हिंदू लोग हिंदू हैं, वो वैदिक सभ्यता से आते हैं। वैदिक, इसके बाद वैदिक का अंत क्या है? वेदांत, मतलब वैदिक का सार क्या है? वेदांत। अब इसके बाद फिर आते हैं अंग्रेज, वेदांत के बाद आते हैं अंग्रेज, जिन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज बनाया। ऐसा अंग्रेजों ने नहीं बनाया, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित करवाया गया। लेकिन इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हिंदू हुए, फिर उन्होंने वेदों की रचना की, वेदों के बाद उन्होंने वेदों का सार बना दिया। तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज आया, फिर वैदिक स्कूल बना, फिर वैदिक स्कूल से वेदांत निकल आया। ये तीन तो ऐसे बन गए, फिर सबसे लास्ट में कौन आई भारत में? अंग्रेज आए। ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, राजा राम मोहन राय को भारत पथिक किसने कहा था? राजा राम मोहन राय को भारत पथिक
किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद। पॉज करके राइट आंसर दे, ये इजी क्वेश्चन है। भारत पथिक राजा राम मोहन राय को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, ये याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को भारत पथिक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक किसने कहा? ये भी इंपॉर्टेंट ही है लेकिन इजी है, अपेक्षाकृत इजी क्वेश्चन है। आधुनिक भारत का जनक किसने कहा था राजा राम मोहन राय को? तो इसका राइट आंसर है, सॉरी इसमें नहीं, ये सही, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, इसका राइट आंसर है ए। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए कार्यों की सही सूची को चुनना है, मतलब राजा राम मोहन राय कौन कौन से कार्य मुख्य रूप से किए हैं। पहला कथन है, भारत के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। दूसरा ऑप्शन है, गरीब किसानों के लिए आवाज उठाई, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है, मुगल बादशाह के वजीफे में वृद्धि करवाई। और चौथा ऑप्शन है, सार्वजनिक रूप से भारत के स्वतंत्रता की मांग की। इन चारों में से कौन से ऐसे कार्य हैं जो राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए? केवल एक और दो, केवल एक दो और तीन, केवल दो तीन और चार, और उपरोक्त सभी। पॉज करके इसका राइट आंसर दें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक दो और तीन। भारत के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहरा, ये सही सही कथन है। गरीब किसानों के लिए भी आवाज़ उठाई इन्होंने, और मुगल बादशाह के वजीफे में भी वृद्धि करवाई, जिसके कारण अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी। इसी के चलते अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। लेकिन फोर्थ ऑप्शन गलत है, सार्वजनिक रूप से भारत की स्वतंत्रता की मांग की। राजा राम मोहन राय ने कभी भी सार्वजनिक रूप से भारत की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, हालांकि ये नागरिक अधिकारों की बात करते रहे, नागरिक अधिकारों की बात करते रहे, लेकिन राजा राम मोहन राय ने कभी मुखर होकर स्वतंत्रता की मांग नहीं की, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं ना कि राजा राम मोहन राय भी स्वतंत्रता सेनानी ही थे, स्वतंत्रता सेनानी कम समाज सुधारक ज्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया? समाचार पत्रों का प्रकाशन, राजा राम मोहन राय द्वारा कौन कौन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया? संबाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, राय कलम, भारत पथिक। इन चारों में से कौन कौन से अखबारों का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, केवल एक और दो। ऑप्शन बी, केवल दो और तीन। ऑप्शन तीन, तीन और चार। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पॉज करके इसका राइट आंसर दें, इसका राइट आंसर है ए, केवल एक और दो। ये दोनों तो अपने मन से ही हम बना दिए, ऐसे कोई अखबार है ही नहीं, भारत पथिक और राय कलम नाम से कोई अखबार है ही नहीं। इनमें से संबाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, ये दोनों समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किए गए थे। श्री अरबिंदो घोष से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्री अरविंदो घोष के भारतीय स्वतंत्रता में योगदान से संबंधित सही कथनों का चुनाव करना है। पहला, वे नरमपंथी आंदोलन के अग्रदूत थे। दूसरा, इनके सहयोग से अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। तीसरा, वे मेरठ षड्यंत्र का हिस्सा थे। सही विकल्प चुनना है आपको, क्या केवल एक और दो सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल दो सही है, या इनमें से सभी सही है। पॉज करके इसका राइट आंसर दें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा सही है। वे नरमपंथी आंदोलन के नहीं, वे गर्मपंथी थे, गर्मपंथी थे। इनके सहयोग से अनुशीलन समिति की स्थापना की गई, ये सही आंसर है। वे मेरठ षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे, मेरठ षड्यंत्र के स्थान पे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र, जो कि 1908 में ये घटना हुई थी, अलीपुर, अलीपुर कांड के नाम से भी जाना जाता है। अलीपुर षड्यंत्र का हिस्सा थे श्री अरविंदो, लेकिन वो मेरठ षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला गलत है, केवल दो सही है। इस तरह ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंदो द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों से संबंधित कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ये समाचार पत्र दिए गए हैं जो श्री अरविंदो द्वारा
एक साथ दिए गए समाचार पत्र जो श्री अरविंदो द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, एक साथ दिए गए किस भाषा में प्रकाशित किए गए हैं? पहला पहला है वंदे मातरम बंगाली भाषा में, दूसरा कर्मयोगिनी अंग्रेजी भाषा में, तीसरा धर्मा बंगाली भाषा में। इसमें से कितने ऐसे युग्म हैं जो सही सुमेलित हैं? क्या केवल एक, केवल दो, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? पॉज करके राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है केवल दो। श्री अरविंदो द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों वाला इसका राइट आंसर केवल दो। कौन कौन से? कर्मयोगिनी, इसको अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया, धर्मा, इसको बंगाली में प्रकाशित किया गया, और वंदे मातरम, इसको भी इंग्लिश में ही प्रकाशित किया गया। वंदे मातरम को भी इंग्लिश में ही प्रकाशित किया गया, ये बंगाली में प्रकाशित नहीं किया गया। और ये याद रखें कि ये तीन समाचार पत्र हैं जो श्री अरविंदो द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, वंदे मातरम, कर्मयोगिनी और धर्मा। अगला क्वेश्चन है, आर्य नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? आर्य नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा, श्री अरविंदो द्वारा, छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा। पॉज करके इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है श्री अरविंदो द्वारा आर्य नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। आर्य पत्रिका का प्रकाशन श्री अरविंदो द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित सही कथनों का चुनाव करना है। वह कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, उन्होंने रंपा विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन तीनों में से कौन से सही कथन है? क्या केवल दो और तीन सही है, केवल एक और तीन सही है, केवल एक और दो सही है, क्या इनमें से दोनों सही, सॉरी तीनों उपरोक्त सभी सही हैं? ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू पे बेस्ड एक आरआरआर नाम की मूवी आई थी जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू का रोल रामचरण, शायद नाम है रामचरण, ऐसे नाम है कुछ, इन्होंने इनका रोल निभाया था और इस मूवी को ऑस्कर भी मिले हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की भी संभावना है। क्योंकि एक बार एक मूवी बनी थी रामानुजम पे एक हॉलीवुड की मूवी बनी थी, उस मूवी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये मूवी किस पे बेस्ड है, तो इससे भी संभावना है कि अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित क्वेश्चन आ जाए। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित सही कथनों का चुनाव करना हमको, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही हैं। वो कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य थे, ये याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि आंध्र प्रदेश के हैं तो कलकत्ता कैसे जाएंगे, लेकिन वह कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य थे, असहयोग आंदोलन का भी इन्होंने समर्थन किया था और रंपा विद्रोह के दौरान ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अल्लूरी सीताराम राजू ने। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इन्होंने असहयोग आंदोलन को काफी व्यापक करने में काफी योगदान निभाया था। इस तरह इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में किसने जल जंगल और जमीन, ये तो बहुत आप सुने होंगे नारा, जल जंगल और जमीन का नारा किसने दिया था? निम्नलिखित में से किसने जल जंगल और जमीन का नारा दिया था? पहला ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू, दूसरा है कोमाराम भीम, तीसरा है टांट्या भील, चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद। पॉज करके अपना राइट आंसर दें। जल जंगल जमीन, इसका राइट आंसर है कोमाराम भीम। जल जंगल जमीन का नारा कोमाराम भीम जी ने दिया था, जल जंगल जमीन का नारा कोमाराम भीम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों को चुनना है। दारा शिकोह मुगल सम्राट औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था। दूसरा ऑप्शन है दारा शिकोह द्वारा मजम उल बहरैन नामक पुस्तक की रचना की गई थी। पहला दारा शिकोह मुगल सम्राट औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था, दारा शिकोह द्वारा मजम उल बहरैन नामक पुस्तक की रचना की गई थी। सही विकल्प चुनना है, क्या केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है? पॉज करके इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। दारा शिकोह ने मजम उल बहरैन की नामक पुस्तक की रचना की थी। पहला क्यों गलत है? क्योंकि दारा शिकोह मुगल सम्राट औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, औरंगजेब का ज्येष्ठ भाई था, औरंगजेब का ये भाई था दारा शिकोह, और पुत्र किसका था? शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह। इन दोनों के बीच में, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में सत्ता की लड़ाई हुई जिसमें औरंगजेब विजयी हो गया और दारा शिकोह मारा गया। इस तरह इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा ये फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं
फिफ्थ और सिक्स्थ एक साथ करेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। सिक्स्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। नेवी नेवी का जब भी एक नया फ्लैग जारी किया गया था तब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के नौसैनिक जहाज होते थे मराठा साम्राज्य में। एक पहले होते थे युद्ध करने वाले जहाज और दूसरे होते थे व्यापार करने वाले जहाज, मतलब दो वर्ग में बांटा गया था, युद्ध करने वाले जहाज और व्यापार करने वाले जहाज। निम्नलिखित में से कौन कौन से युद्ध करने वाले जहाज थे, ये नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे जहाज थे जो युद्ध करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। पहला है घुराब, दूसरा है गल्लीबत और तीसरा है तरंडी और चौथा है पगार। इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जिन्हें युद्ध युद्ध करने वाले जहाज के नाम, जो युद्ध करने वाले जहाज के नाम हैं, पॉज करके राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक और दो, यही राइट आंसर है। घुराब घुराब और गल्लीबत, ये दोनों युद्ध करने वाले जहाज थे, घुराब और गल्लीबत। तारंडी और पगार युद्ध करने वाले जहाज नहीं होते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 5 स्टार मार्किंग दे सकते हैं, संभावना भी है। सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के नौसैनिक जहाज होते थे, युद्ध करने वाले जहाज और व्यापार करने वाले जहाज। निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यापार करने वाले जहाज थे, पहले हमने किया युद्ध करने वाले जहाजों के नाम, तो हम देख रहे हैं व्यापार करने वाले जहाजों में। शिवर, मछुआ, तरंडी, पगार, इनमें से कौन कौन से ऐसे थे जो व्यापार करने के लिए यूज किए जाते थे जहाज। शिवर, मछुआ, तरंडी और पगार, पॉज करके राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी शिवर भी, मछुआ, तरंडी और पगार, ये चारों व्यापारिक जहाज थे, युद्ध करने वाले जहाज नहीं थे। किसके बात हम कर रहे हैं, यह मराठा साम्राज्य के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान, ये काफ़ी न्यूज में था, काफ़ी न्यूज में क्या, बहुत ज़्यादा न्यूज में था। हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित सही कथनों को चुनना है। पहला कथन है, इसका उद्देश्य लोगों को भारत की आज़ादी के 75वें उत्सव को मनाने के लिए अपने घर पर तिरंगा फहराने हेतु प्रोत्साहित करना है। दूसरा, इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भारतीय दूरसंचार विभाग को दी गई है। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, क्या ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। पॉज करके अपना राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे हर घर में मतलब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो इसका उद्देश्य है कि लोग अपने घर में तिरंगा फहराएं आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मनाने के लिए। लेकिन दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि इस अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भारतीय दूरसंचार विभाग की नहीं है, यह डाक विभाग को दी गई है, यह जानकारी डाक विभाग को दी गई, सॉरी जिम्मेदारी डाक विभाग को दी गई है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज कर सकता है। यह दूरसंचार विभाग जनरली टीवी वगैरह का ये नियंत्रित करते हैं, लेकिन डाक विभाग को जानकारी दी गई है। क्यों जानकारी दी गई, क्योंकि डाक विभाग लगभग हर ग्राम पंचायत में आपको मिल जाएंगे, डाक विभाग मतलब हर गांव में आपको कोई ना कोई डाक विभाग जरूर मिल जाएगा, छोटा से छोटा, लेकिन दूरसंचार विभाग का जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई ऑफिस हो ही, इसीलिए डाक विभाग को चूज किया गया, क्योंकि ये गाँव से कनेक्ट है। डाक विभाग सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी वाला एकमात्र विभाग है, डाक विभाग भारत का, इसीलिए इसको चूज किया गया, ये याद रखिएगा। हर घर तिरंगा अभियान के लिए डाक विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नववर्ष उत्सव, नया साल मनाने के जो उत्सव करते हैं, वह अलग अलग नामों से मनाया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नववर्ष उत्सव अलग अलग नामों से मनाया जाता है, इस संदर्भ में कितने युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ नववर्ष का नाम दिया गया है, एक तरफ संबंधित राज्य क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। अब विजुअल क्वेश्चन, पहला कथन है, विषु संक्रांति गुजरात में मनाई जाती है, विषु संक्रांति के नाम से गुजरात में नववर्ष मनाया जाता है। उगाड़ी महाराष्ट्र में नववर्ष, लोसुंग सिक्किम में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, और साजिबी चेरोबा ये नाम ही नहीं लेते भंडार, साजिबू चेरोबा यह पश्चिम बंगाल में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसमें से कितने विकल्प हैं, कितने युग्म हैं जो सही सुमेलित हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या उनमें से सभी सही सुमेलित हैं।
पॉज करके अपना राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है केवल एक सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित है लेसुंग। लेसुंग ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम में नववर्ष लेसुंग के नाम से मनाया जाता है। विषुव संक्रांति गुजरात में नहीं मनाया जाता, ये गुजरात में नहीं मनाया जाता। विषुव संक्रांति कहाँ का नववर्ष है? ओडिशा का है। उगाड़ी कहाँ का है? उगाड़ी महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाता। उगाड़ी कहाँ मनाया जाता है? उगाड़ी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उगाड़ी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में उगाड़ी नाम से नववर्ष मनाया जाता है। लेसुंग सिक्किम में, यह तो सही सुमेलित है। सजिबू चेइरोबा यह पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया जाता। सजिबू चेइरोबा कहाँ मनाया जाता है? यह मणिपुर में मनाया जाता है। सजिबू चेइरोबा मणिपुर में मनाया जाता है। अब बचे कौन? गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात में किस नाम से नववर्ष मनाया जाता है? गुजरात में बेस्तु वर्ष नाम से नववर्ष मनाया जाता है। गुजरात में बेस्तु वर्ष नाम से मनाया जाता है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। ये तो सभी लोग जानते होंगे, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे वो जानते ही होंगे। उसमें हर साल एक ना एक एपिसोड इस पे बन जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नाम से नववर्ष मनाया जाता है। गुजरात में बेस्तु वर्ष और ओडिशा में विषुव संक्रांति। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उगाड़ी नाम से। सिक्किम में लोसुंग नाम से और मणिपुर में साजिबू चेइरोबा। अब पश्चिम बंगाल में किस नाम से मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में जो पहला नववर्ष है उसको बोलते हैं पहला बैसाख। और उत्तर भारत में जैसे पंजाब वगैरह हो गया, तो वहाँ पे बैसाखी लगभग सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ये भी युग्म वाला ही क्वेश्चन है। एक तरफ त्यौहार दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित राज्य, मतलब ये त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। पहला है लोसर उत्सव उत्तराखंड, दूसरा है संगई उत्सव मणिपुर, तीसरा है बतुकम्मा तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? पॉज करके इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो सही सुमेलित हैं। कौन कौन से सही सुमेलित हैं? संगई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है और बतुकम्मा, ये सही सुमेलित है, बतुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। ये दोनों गलत हैं, लोसर उत्सव और बोनाल उत्सव, क्योंकि बोनाल भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। तेलंगाना में एक और है सम्मका नाम से है, सम्मका सरलम्मा। ये माँ बेटी हैं जो कि राजा के खिलाफ, जैसे अकाल पड़ गया था फिर भी राजा उनसे टैक्स वसूल रहा था, तो इन लोगों ने राजा के खिलाफ आंदोलन टाइप का छेड़ दिया था, इसलिए ये जनजाति से संबंधित थे। तो इनको याद में एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है तेलंगाना में, सम्मका और सरलम्मा, ये याद रखिएगा। इसको सम्मका सरलम्मा यात्रा के नाम से जाना जाता है। और ये इसमें भारत में जैसे कुंभ एक मेला होता है, कुंभ सबसे बड़ा मेला कहा जाता है भारत का। उसके बाद कुंभ के बाद सम्मका सरलम्मा यात्रा, कुंभ के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मेला भारत में आयोजित किया जाता है सम्मका सरलम्मा। तो बोनल तेलंगाना का है, बतुकम्मा भी तेलंगाना का है, लोसर उत्सव उत्तराखंड का नहीं, लोसर उत्सव कहाँ का है? लद्दाख का लोसर उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। लोसर उत्सव लद्दाख का है, संगई मणिपुर, बतुकम्मा तेलंगाना, बोनल तेलंगाना, तेलंगाना का सम्मका सरलम्मा भी है, और नागालैंड का तो लगभग सभी लोग जानते हैं हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक त्यौहार है, वो नागालैंड में मनाया जाता है। ये हमारे MCQ कंप्लीट हो गए इसके कल्चर के।